माल की आपूर्ति उत्पाद विभाग से नहीं होने की वजह से व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है। व्यापारी अलग अलग जिले से राजधानी रांची के उत्पाद विभाग पहुंचे। हालांकि हम आपको लाइव तस्वीरें राजधानी रांची के उत्पाद विभाग की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको इससे पहले जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से कैबिनेट में नई उत्पाद नीति लागू कर दी गई थी, उसके बाद से कई व्यापारियों की नींद उड़ गई थी, क्योंकि जो लक्ष्य रखा गया था, हालांकि इनका कहना था कि जो लक्ष्य सरकार की ओर से कहा गया है वो लक्ष्य पूरा करना असंभव है। हमारे साथ कुछ व्यवसाय है, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मामलों को लेकर आज ये लोग उत्पाद विभाग आए हैं, और इससे पहले भी आप लोग कई लोगों से मिले, आज आप लोग उत्पाद विभाग आए हैं, क्या कुछ पूरा मामला? मैं खुदरा व्यवसायी संघ विक्रेता संघ के सब यहाँ पर प्राधिकारी है, मैं सचिव हूँ। उस नाते से मैं यहाँ आए दिन विभाग से पत्राचार करता रहता हूँ। जो मैंने वो पत्राचार सबको, आप लोग को भी, मीडिया को भी मैं देता हूँ। अभी 18 तारीख को मैंने उत्पाद आयुक्त अमित कुमार जी को मैंने भेजा पत्र, मेल के माध्यम से भेजा और व्हाट्सएप भी किया, और विनय चौबे जी जो हमारे उत्पाद सेक्रेटरी हैं उनको भी मैंने भेजा, उनको भी मेल के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा। इन लोगों ने कोई रिस्पॉन्स, उस पर जवाब नहीं दिया। हम लोग परेशान हैं, सारे जगह के जितने व्यवसायी हैं सब परेशान इसलिए हैं कि दुकान में जब माल ही नहीं रहेगा तो आप क्या, शादी है विवाह है वो भी छोड़ दीजिए, अभी शादी विवाह है, लेकिन जनरल में बेचने के लिए बियर दुकान में नहीं मिलेगी, ब्रांडेड खोजेंगे या लीकर खोजेंगे तो नहीं मिलेगी। तो हम लोग तो पैसा सरकार को एडवांस दे चुके हैं, हम तो विवश हैं, उस पैसा काट लेगा 25 तारीख को, हम ईटीडी जबरदस्ती कहाँ से माल पूरा कहाँ से कर पाएंगे, इसके लेकर कर पाएंगे, कोटा फोल्ड फिर नहीं करने के कारण हम तो बर्बाद हो जाएंगे। सरकार अपना हमारे ऊपर गला पर छुरी चला करके वो पैसा काट लेगी। तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट किए थे कि हमारा जो उठाव हुआ है आपके यहाँ से, वो आपके यहाँ रिकॉर्ड है, हमारा उतना आप राजस्व ले लीजिए, उससे ज़्यादा हम देने में असक्षम है। जो अप्रैल माह का कोटा आपने जबरदस्ती हम लोग को एक्सटेंशन दिया है, मैं आपसे मांगने नहीं गया था, आप अपनी सुविधा से दिया है, और आगे भी क्या होगा वो छत्तीसगढ़ वाले जाने। अभी कुछ साल पहले आप लोग भी जाना होगा कि पूर्ववर्ती सरकार के ये लोग बदनाम कर रहे थे, बदनाम सरकार कि भाई छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ उनको, बोलने वाले को, कि अभी छत्तीसगढ़ को मॉडल को क्यों आप बिजनेस में यहाँ ला रहे हैं? आप यहाँ के झारखंड के व्यापारी मर गए क्या? या झारखंड के व्यापारी के पास पैसा नहीं है क्या? लेकिन झारखंड के व्यापारी से आपको पॉकेट में पैसा नहीं जाएगा, बाहर के लोगों से साइड से पैसा जाएगा पॉकेट में। इसमें बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है, जिसमें झारखंड के अलावे छत्तीसगढ़ के जो एक पदाधिकारी, दागी पदाधिकारी हैं, जो बीएसएफ पदाधिकारी, उनके ऊपर केस चल रहा है ऑलरेडी, और वो पदाधिकारी झारखंड में जुड़े हुए हैं, और उन्हीं के द्वारा ये उत्पाद विभाग माननीय जगन्नाथ बाबू के पास नहीं है, ये उत्पाद विभाग हम लोग मानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सह उत्पाद मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, इसलिए उनके माध्यम से, हम मीडिया के माध्यम से कई बार आगाह भी किए कि सर हम लोग की व्यापारियों के साथ एक मीटिंग बुलाइए, मीटिंग बुला करके हम लोग के पास समस्या आपका है आप रखिए, हमारी समस्या आप सुनिए, हम आपको 3,000 करोड़ देंगे, 2300 करोड़ क्या, अभी 2200 करोड़ मैंने दिया है, और फिर 2300 करोड़ दे रहे हैं तो क्या 5 गोदाम करने की क्या आवश्यकता है? जब JSPCL आपका सरकारी उपक्रम है, तो JSPCL 24 जिला में है, तो JSPCL को पर्दे के पीछे फिर प्राइवेट क्यों आवश्यकता पड़ी? प्राइवेट हटा दीजिए, आप सरकार कीजिए, सरकार बेचे, सरकार बहाल करे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन प्राइवेट किसी को लाइएगा तो प्राइवेट क्यों, हमको दरकिनार करके प्राइवेट को अपलाइएगा? तो ये बहुत नाइंसाफी है, और हम लोग इसके बाद उग्र आंदोलन करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम, आप मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हम लोग की शराब व्यवसायियों की समस्या को सुने और इस पर तत्काल संज्ञान लेकर के आप हम लोग की राहत पहुंचाएं, हम लोग के व्यापारी से मीटिंग करें, हम लोग आपके साथ हैं, आपका राजस्व 2300 से 3,000 करोड़ देंगे, कुछ व्यवस्था आप सुधारिए, कुछ व्यवस्था हम सुधारेंगे, कदम से कदम मिला के चलिए, हम आपको राजस्व में बहुत बड़ा योगदान बनने वाले हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हमेशा रोजगार की बात करते हैं, और यहाँ पर जो झारखंड के मुख्यमंत्री हो बाहर की कंपनियों को ठेका दे रहे हैं, इससे आप लोगों को कितना नुकसान और कितना फायदा? देखिए, अब रोजगार की बात आप कर रहे हैं तो यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ रोजगार, यहाँ के लोगों को बेरोजगार कर रहे, जो 50 साल 55 साल जिसका एज हो चुका, वो अब हमारे यहाँ कर्मचारी वो कहाँ जाएंगे? 7,000 कर्मचारी उसको नहीं लिया जा रहा है। ये प्लेसमेंट एजेंसी का टेंडर भी बहुत कम आया, उससे भी साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं उन लोग भी पीछे हट रहे हैं जो टारगेट उनको दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो खेला है 5 गोदाम की खेला है। गोदाम, हम लोग का कहना है कि गोदाम मत रख लीजिए,
आपका JSPCL है, ईमानदारी से JSPCL में माल को मंगवाइए, उस जैसे पहले वितरण होता था वैसे दुकानदारों को दीजिए, भ्रष्टाचारी मुक्त कीजिए। ये पर्दे के पीछे वाली कहानी प्राइवेट को देने वाला ये हटाइए, हम उसका विरोध करते हैं जो गोदाम प्राइवेटेशन को दे रहे हैं। और रोजगार मत छीनिए, रोजगार छीनिएगा ऐसे भी मैं आपको एगो बता देता हूँ कि एक्साइज मिनिस्टर जो जो बने हैं, जो जो एक्साइज व्यापारियों का अत्याचार किया उनकी सरकार चली जाती है, ऐसा संभावना लग भी रही है। लग रहा है आपको कि ये भी सरकार चली जाएगी? बिल्कुल लग रही है, हम लोग की बद्दुआ, हम लोग के बच्चों की बद्दुआ लगेगी उनको, निश्चित लगेगी। ये बद्दुआ मोटा मोटा नहीं है, हमारे तीन तीन साथी मर गए, चाईबासा में मरे और भी जगह मरे, हजारीबाग में मरे, क्यों मरे? प्लेंटी ठोक करके ब्याज पर ब्याज ही लेते हैं, जिसका केस भी 5% पर डे, उसका अभी भी केस हम लोग हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं। न्यायालय पर पूरा भरोसा, न्यायालय ही हम लोग को राहत देगा, बाकी सरकार से राहत की उम्मीद नहीं है। कैबिनेट में जब नई उत्पाद नीति को मंजूरी दी गई थी, आप लोगों की नींद उड़ गई थी, आप लोगों का कहना था कि जो लक्ष्य मिला है वो हम लोग अभी पूरा नहीं कर पाए। लक्ष्य जो है ना, इन लोग 2300 करोड़ का मंजूरी रखा था, तो लक्ष्य जो है जैसे मान लीजिए जमशेदपुर का लक्ष्य अभी 217 करोड़ है वर्तमान में, उसको बढ़ा करके 270 करोड़ किया जा रहा है, तो एट ए टाइम ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाएगा कि हम लोग अचीव कर जाएंगे? कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल होता है, मैंने डे बाई डे स्टेप बाई स्टेप चलता है, ना कि जीपी रेशियो में नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब आप लोगों का कहना है जब नीति लागू की गई थी तो आप लोगों से बात, कुछ नहीं, कुछ भी बात नहीं हुआ है, किसी से बात नहीं होता, आपस में क्या मामला हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, ये तो नीति आप लोगों के हित में बनी हुई थी। इसमें हम लोग का क्या हित है? हम लोग का रोजगार जा रहा है, हम लोग रोजगार हो रहे हैं, 30 तारीख के बाद हम लोग कोई दुकान नहीं रहेगा, तो इसमें हम लोग क्या फायदा होगा? आज हम लोग इस चीज को रन कर रहे थे, सरकार को भी रेवेन्यू दे रहे थे, उससे हम लोग का भी 25 तारीख को भी तो आप लोगों को रेवेन्यू देना है। 25 को तो फिक्स्ड होता है, लेकिन 30 तारीख के बाद हम लोग का लिखा हुआ कि आगे नहीं चलना। 25 तो मंथली ETD कटने का समय होता है जो कि फिक्स्ड है। अभी देखिए स्थिति यह है कि सामान हम लोग के पास कुछ नहीं मिला, इस महीना में 1 से 22 तारीख का जो हो गया कोई लिकर नहीं मिला, बियर का समूह 1 से 2 ट्रक आता है, वो भी मतलब 10 ठो 5 ठो एक एक दुकान में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब सोच लीजिए क्या होगा आने वाला दिन के लिए, क्या स्थिति होगा, हम लोग को क्रश किया जा रहा देखा जाए कि हम लोग क्यों एक्सटेंशन जो लिया ना, दिया गया जबरदस्ती, मतलब आप लोग एक्सटेंशन नहीं चाह रहे थे, आप लोगों को जबरदस्ती दिया गया, सामान जब था ये नहीं तो एक्सटेंशन लेके क्या फायदा हुआ? हम लोग तो उम्मीद किए थे कि समय आएगा मिलेगा सामान, कुछ नहीं मिला, तो चारों तरफ से हम लोग क्रश किया गया। कोरोना काल में सोचिए कि हम लोग का दुकान खुलता था 6 बजे 5 बजे 2 बजे बंद हो जाता था, लेकिन पूरा हम लोग दिए हैं उसका, उसमें भी रेवेन्यू दिए हैं, कोई रियायत मिला हम लोग को? अब क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि कंटिन्यूटी, हम लोग के साथ क्यों अन्याय किया जा रहा है? हम लोग कौन सा खराब काम किया 3 साल में, कौन सा रेवेन्यू नहीं दिया? ऐसा कोई भी घर वाले ऐसा भी लोग हैं हमारे साथी लोग जो कि खेत बेच करके तब ये किए, 4 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन बेचे, यहाँ पे रेवेन्यू देना, क्या कि 5% पर डे मतलब 30% 150% ब्याज होता लगता है देखा जाए, ऐसा कोई कहीं पे है? लेकिन उसको देखते हुए भी फिर भी हम लोगों ने किसी भी तरह से उसको रेट किया, रेवेन्यू देते गए, इसके बाद देखिए क्या हस्तक्षेप हुआ हम लोग का। आगे क्या करना है? आगे यही मांग कर रहे हैं कि इसे जो हुआ गलत हो रहा, हम लोग के साथ न्याय होना चाहिए, जब हम लोग सब बुरा वक्त में भी साथ दिए तो अच्छा वक्त आ रहा है, तो उसमें क्यों हम लोग हटाया जा रहा है? जिस तरीके से आप लोग पीछे से जिस तरह से मुलाकात की, कोविड का टाइम सरकार भी इसमें सीधे सीधे जो है छत्तीसगढ़ मॉडल ला रही है, सरकार अपना जेब भरने के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल ला रही है, और ये जो है मॉडल जो है इसका 6 महीना में फ्लॉप कर जाएगा। अभी इसके लिए टेंडर निकाला गया था जिसमें बहुत कम आदमी पार्टिसिपेट किए थे, फिर टेंडर को सिंगल बिड होने के कारण टेंडर को कैंसिल कर दिया गया, और सरकार जो है विफल है अभी तक छत्तीसगढ़ मॉडल लाने में। अभी चाह रही है कि छत्तीसगढ़ मॉडल आ जाए पर वो विफल है सरकार इस मॉडल को। छत्तीसगढ़ मॉडल में क्या है कि सरकार शराब दुकान अब सरकार चलाएगी, प्लेसमेंट एजेंसी से मैन पावर सप्लाई प्लेसमेंट एजेंसी करेगी, और इसको सरकार जैसे पुराने सरकार में
सरकार रघुवर दास की सरकार में सरकार जो चलाई शराब दुकान, अभी सेम उसी तरीका से हेमंत सोरेन के सरकार में भी यही चीज़ करना चाह रही है कि सरकार चलाए, जबकि पूर्व में जो सरकार चलाई है वो ऑलरेडी विफल हो गया था, फेल हो गया था, फिर से जो है प्राइवेट आदमी को दिया गया और फिर सरकार अपने जेब भरने के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल ला रही है। ठीक है, तो आप लोग इससे पहले भी शायद जगन्नाथ महतो से मिले थे, क्या कुछ आश्वासन क्या कुछ बोले थे उनके आश्वासन का कोई क्या बोलते फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बस एक मोहरा है जगन्नाथ महतो चला रही है, क्या बोलते हेमंत सोरेन सर चला रहे हैं। देखा जाए तो एक्साइज मंत्री जगन्नाथ महतो सिर्फ नाम के हैं, डिसीजन क्या बोलते मुख्यमंत्री जी का चल रहा है, इसीलिए जो है हेमंत क्या बोलते जगन्नाथ महतो इसमें कुछ आज आप लोग सचिव से मिलना है कि 25 तारीख को जो यूटीडी कटेगा, सरकार ऑलरेडी ईटीडी एडवांस हम लोग से ले चुकी है और 25 तारीख को ईटीडी करना है और आज जो है क्या बोलते 22 तारीख हो गया है, एक तारीख से लेके 22 तारीख तक हम लोग को माल नहीं मिला, माल नहीं मिलने का अगर माल नहीं मिलता है तो हम लोग कहाँ से ईटीडी भरेंगे, तो इसलिए जो है हम लोग आज सेक्रेटरी साहब से कहना चाहते हैं कि हम लोग को माल 1 से 22 तारीख तक नहीं मिला, जो भी माल जितना भी उठा है माल उसके हिसाब से ईटीडी काटा जाए और बाकी पैसा हम लोग का वापस किया जाए, आप दुकान चलाना आप चलाइए, हम बाकी पैसा हम लोग का ईटीडी के हिसाब से वापस कर देंगे। मैडम नई उत्पाद नीति से तो यहाँ के सारे पुराने जितने भी रिटेलर हैं उनको बिल्कुल साइडलाइन किया जा रहा था, इसमें कहीं था ही नहीं कि पुराने रिटेलर को इन्वॉल्व किया जाएगा, सरकार का राजस्व बढ़ाने के माध्यम बना के सरकार का राजस्व को माध्यम बढ़ा के हम लोग को बिल्कुल साइडलाइन किया जा रहा था और अभी भी यही कार्यकलाप चल रहा है कि हम लोग को साइडलाइन करने का ही ये सारा मंशा सरकार का है। हम लोग आइए 25 तारीख को ईटीडी यानी लाइसेंस फीस का टोटल पैसा अग्रिम राशि के तौर पर हम जमा कर देते हैं और उसमें हमारा एक महीना का जो क्रम जो आया उसमें हम लोग को कोई भी माल अवेलेबल नहीं हुआ, कोई भी ब्रांड जो होता है जो दुकान में परचेज माने यानी बिक्री होता है कोई भी ब्रांड हम लोग इशू नहीं। मैडम अभी तक तो हम लोग मुख्यमंत्री से नहीं मिले लेकिन उत्पाद मंत्री से हम लोग अपना गृहांश को रखे, उन्होंने यही बोला कि हम देखते हैं प्रयास करते हैं आपके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम सुविधा दे सके लेकिन अभी तक हम कोई उसमें नहीं मिल पाया। हम उत्पाद विभाग से नहीं होने की वजह से कई ऐसे व्यापारी हैं जो परेशान चल रहे थे, हालांकि इनका कहना है कि जो सरकार की ओर से जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य को पूरा करना असंभव है, जिसको लेकर तमाम जो व्यापारी अलग अलग जिले से राजधानी रांची के उत्पाद विभाग पहुंचे हैं, इनका कहना है कि सरकार यहां पर छत्तीसगढ़ मॉडल लागू करने की सोच रही है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जो कैबिनेट की में जो मंजूरी दी गई थी यानी कि नई उत्पाद नीति को मंजूरी दी गई थी उसी से काफ़ी परेशानी हो रही है, तो सरकार को इस ओर जरूर कुछ पहल करनी चाहिए। हालांकि तमाम जो व्यवसाय अलग अलग जिले से यहाँ पे पहुँचे हैं वो अभी उत्पाद विभाग के सचिव से मुलाकात करेंगे, अपनी परेशानी को उनके समक्ष रखेंगे, अब देखना यही होगा कि क्या कुछ निर्णय इन लोगों के लिए निकलता है और सरकार इस ओर क्या कुछ पहल करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, 22 को रांची।